हेलोगाइज टू थाउजेंड ईयर ओल्ड मॉडर्न सोसाइटी अन इन एमपी टाइगर रिजर्व 2000 साल पुराना मॉडर्न सोसाइटी एमपी टाइगर रिजर्व में मिला है तो आप देख सकते हैं फोटो उसी की है भोपाल आर्कियोलॉजिस्ट हैव है ऑन 1500 हंड्रेड ईयर ओल्ड रॉक पेंटिंग एंड न्यूब्रस एटीन हंड्रेड टू टू ईयर ओल्ड मैन मेड वाटर बॉडीज इन अवनगढ़ नेशनल पार्क द टाइगर जोन ऑफ द टूडे वॉज मोस्ट लाइकली पार्ट ऑफ एन ओल्ड ट्रेड रूट ए एस आई पासिंग ट्रेडर्स यूजिंग रॉक कट के लॉजिस्ट ने ढूंढा है पंद्रह साल पुराना रॉक पेंटिंग और अट्ठारह सौ से दो हजार साल पुराना मैन मेड वाटर बॉडी इन अ बंदरपुर नेशनल पार्क टाइगर जोन दुडे ये एक समय ओल्ड ट्रेड रूड है मतलब यहाँ से व्यापारी लोग आना जाना होता था और ये घर की तरफ इस्तेमाल किया जाता था एक सल्टर की तरफ द प्रेजेंस ऑफ द वॉटर बॉडी बिल्ट एट अट एंड यूज फॉर कलेक्टिंग रेन वाटर सजेस्ट देश अ मॉडर्न सोसाइटी Water bodies could be 1800 to 2000 year old, but evidence suggests there was some renovation 1000 years ago. and ASI official told Amarjit Singh. ASI officer ne kaha hai ki jo ने कहा है कि जो प्रेजेंस है वाटर बॉडीज का वो हाइट पे है और यूज किया जाता था रेन वाटर कलेक्ट करें ऐसा सजेस्ट करता है मॉडर्न सोसाइटी वाटर बॉडी जो था 1800 से 2000 साल पुराना था लेकिन एविडेंस दिखाता है कि यहाँ पे कुछ रेनोवेशन हुआ था 1000 साल पहले मोर एंड मोर आर्कियोलॉजिकल रिसर्स आर बींगड इन बादंगपुर

बंधवघर नाव हुई वॉज मोस्ट लकली द पार्ट ऑफ ट्रेड रूट एंड द ट्रेडर्स पासिंग दिस वे वुड टेक सेल्टर ईयर एस आई सुप्रीटेंडिंग इंजीनियर जबलपुर सर्कल शिवकंद भोजपाल हुई सुपरवाइजिंग द एक्सप्लोशन टोल टी ओ आई तो जो एरिया जो ढूंढा गया है ये ट्रेड रूट था जहाँ पे जो ट्रेडर्स थे व्यापारी थे वो इस रोड आते थे और यहाँ पे सेल्टर लेते थे द प्रेजेंस ऑफ अ न्यूमरस मैन मेड वाटर बॉडीज सजेस्ट मॉडर्न सोसाइटी द वॉटर बॉडीज फाउंड दिस टाइम वर मैडा हाइड एंड यूज फॉर कलेक्टिंग रेन वाटर They could be roughly 1800 to 2000 years old. The evidence suggests some sort of renovation around 1000 years ago. He said, What's unique about a rock art is that it was found in a rock-cut cave. Bajmati said, usually such rock art is found in natural caves or overhang. Rock painting has been found for the first time in the area. It is not a historic era painting, but could be roughly 1500 years old. The painting is still being studied. It is possibly depicts an animal. Bajbai said. वाजपेयी ने कहा है कि जो पेंटिंग बनाई गई है रॉक से काट के वो एनिमल्स को दर्शाती है अलग अलग तरह के एनिमल जो समय रहते थे इलेवन रॉक कट केवस ऐफ सर्फेस ड्यूरिंग द सेकंड फेज ऑफ एक्सप्लोरेशन इन द ताला रेंज ऑफ बंदरगर द सर्वे स्टार्टेड ऑन एक अप्रैल एंड विल कंटिन्यू टिल थर्टी जून ग्यारह पत्थर के कटे हुए केव्स को ढूंढा गया दूसरे चरण के एक्सप्लोरेशन में ताला रेंज ऑफ बंदरगर में और जो सर्वे है वो एक अप्रैल को शुरू हुआ था कंटिन्यू करेगा तीस जून तक ऑनलाइन द केव्स डिस्कवर्ड लास्ट ईयर विच वर बुद्धिस्ट द इलेवन फाउंड दिस टाइम कट आउट ऑफ रॉक्स फॉर डवेलिंग परपजेज ही एडेड पिछली बार जो डिस्कवर हुआ था उससे बुद्धिस्ट लोगों का रहने के लिए जगह था और इस बार जो ग्यारह केप्स ढूंढ गए के हैं वो रॉक्स के हैं जो कि रहने के लिए यूज होते थे फिफ्टी केब्स वर डिस्कवर्ड आर्ली ईयर ट्वेंटी सिक्स आर फाउंड लास्ट ईयर एंड इलेवन सो फॉर दिस ईयर इन इन्वर्ट कर होल्स फॉर यूजिंग वुडन एंड आर ऑल्सो फाउंड द केप्स ऑल्सो रिफ्लेक्ट सम सॉर्ट ऑफ सोशल हाइर्जी एज सम आर बिग सम आर स्मॉल सम हैव डिस्टिंग फीचर्स भाजपाई सेट वाजपेई ने कहा है कि पचास केप्स डिस्कवर किए गए थे पहले छब्बीस पिछले साल और ग्यारह अभी इसी साल होल्स जो हैं इसमें वुडन रैप्स के वो भी पाए गए के हैं केफ्स जो हैं रिफ्लेक्ट करते हैं कुछ सोशल हाइनर्जी यानी भेदभाव जिसमें कुछ बड़े थे कुछ छोटे थे और कुछ डिस्टिंग फीचर्स के थे तो गाइश चलते गुड बाय टाटा बाय बाय